17 बार, आठवीं बार जरासंध ने तैयारी की, तभी काल इवन नामक म्लेच्छ 3 करोड़ सेना लेकर के म्लेच्छों की मथुरा पर आ गया। काल एवन की असमय चढ़ाई को देखकर दोनों भाई सोचने लगे कि एक साथ दुई दुई विपद फाट पड़ी, एहमू लड़प की एहमू, ऐसे कैसे छुटकारा पाई। भगवान ने विचार किया, चलिए एक समुद्र में दुर्गम किले का निर्माण कर ले, उसके पास बाद फिर इनसे लड़ब। सुखदेव जी ने बताया महाराज परीक्षित को, इति सम्मंत्र से भगवान दुर्गे द्वादश योजनम अंता समुद्रे नगरम कृष्णाद भूते मची करते। ऐसा सोच करके भगवान 48 कोस के विस्तार में द्वारिका नाम का एक अति सुंदर नगर बसाया। अपनी योग माया का विस्तार करके आवाहन करके सारे मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचा दिया। भगवान अपनी माया को आगे बढ़ाया। ये काल यवन को समाप्त कैसे करें, इसका निर्णय किया। भगवान एक पहाड़ की गुफा में घुसे, वहां मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। देवासुर संग्राम में एक बार इंद्र की सहायता युद्ध में किया था। युद्ध की समाप्ति होने पर उन्होंने राजधानी लौटने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र ने कहा, अब आपकी राजधानी में आपके वंश में कोई नहीं है, कोई बचे नहीं है। मुचकुंद ने कहा, फिर क्या करना है, मैं थक गया हूं, यहीं सो जाऊं। इंद्र ने कहा, जाओ सो जाओ, जो भी तुमको आकर जगाएगा वही भस्म हो जाएगा। भगवान ने आज विचार किया कि मौका अच्छा है, एक काल एवन से लड़ने के पहले ही पीतांबर लेकर के भगे और अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर छोड़ करके अपना बगल किनारे खड़े हो गए। कालीवन गुफा में पहुंच करके देखा, सोचने लगे, अरे कृष्ण, युद्ध से भाग करके सो रहे हो, एक लात पीछे से मरबै तो केस मुचकुंद ने जब देखा कालेवन को, दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। जब कालेवन भस्म हो गया तो भगवान सामने आ गए। मुचकुंद भगवान को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, जय हो। लब्धा जनो दुर्बल मत्रे मानुषम कश्चिदे व्यंग्यस्तनी पादार बिंदम नावजन्ते समते कूपे पतितो यथा पशुः। जय जय। भगवान मुचकुंद को वरदान दिया कि जाइए, तुम्हारी मुझ में भक्ति बनी रहेगी, मुझे प्राप्त करोगे। रणछोड़ भगवान, बड़ रणछोड़ भगवान की जय।
द्वारिकाधीश की।